So we are discussing the lithography portion of your syllabus, and today's topic is electron beam lithography. In the earlier lecture, we discussed about the optical lithography technique. Okay, so electron beam fabrication of ICs offers several advantages for lithographic pattern transfer. Kya? Resist geometry is smaller than 1 micrometer can be generated. Wafers can be patterned directly without a mask, and the technique can be highly automated. ऑटोमेशन हो जाएगा आपके टेक्निक का, मतलब मैन पावर रिक्वायरमेंट कम होगी, मशीनों के थ्रू आप काम करेंगे. वेफर जो है उसकी जो पार्टिशनिंग करना है वो इजी हो जाएगा बिना उसको उसकी मास्किंग किए. और अगर मुझे 1 माइक्रोमीटर से नीचे की ज्योमेट्री चाहिए आईसी की, तो वो भी आसानी से जनरेट हो जाएगी व्हेन वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी. ठीक है. इन एडिशन एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज अ मच ग्रेटर डेप्थ ऑफ फोकस देन एन ऑप्टिकल लिथोग्राफी सिस्टम. ठीक, ऑप्टिकल लिथोग्राफी से ज्यादा जो फोकस है वो किसका रहेगा? इलेक्ट्रॉन बीम का. मतलब उसकी जो डेप्थ रहेगी, जो पैटर्न आप जनरेट करना चाह रहे हैं किसके ऊपर? आईसी के, वेफर के ऊपर. वो जो पैटर्न जनरेट करना चाह रहे हैं उस पैटर्न की जो डेप्थ है वो इलेक्ट्रॉन बीम में ज्यादा रहेगी. एन इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी यूज टू डिटेक्ट फीचर्स ऑन अ सिलिकॉन वेफर. ओके, दिस कैपेबिलिटी कैन लीड टू एक्सट्रीमली एक्यूरेट लेवल टू लेवल रजिस्ट्रेशन. क्योंकि सिलिकॉन वेफर के फीचर्स को भी हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो ये लेवल टू लेवल रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उसके कहना चाहिए असेसमेंट के लिए, बहुत ही अच्छा है जो इलेक्ट्रॉन बीम है. किसके लिए? सिलिकॉन वेफर के लिए. द प्रॉब्लम विद ई बीम, ई बीम मतलब इलेक्ट्रॉन बीम का शॉर्ट फॉर्म, ई बीम लिथोग्राफिक मशीन्स इज दैट दे आर स्लो. देयर थ्रूपुट इज अप्रोक्सीमेटली ओनली 5 वेफर्स पर आवर एज लेस देन 1 माइक्रोमीटर रिजोल्यूशन. At less than 1 micrometer resolution, slow process है. सिर्फ 5 वेफर आप बना सकते हैं पर आवर में, और उसका resolution 1 micrometer से भी less होता है. These throughputs do not economically compete with optical machine throughputs of 40 वेफर्स पर आवर at 1.5 micrometer resolution. अब जब आप optical lithography की बात करते हैं, तो उसका जो throughput होता है वो होता है 40 वेफर्स पर आवर का, और उसका जो resolution है 1.5 micrometer का होता है. ये difference है. To write sub micrometer patterns into a resist, the E beam must be focused into a diameter of this particular range, 0.01 to 0.5 micrometer. The current density is in the focused spot should also be high to minimize resist exposure times. Okay, most thermionic electron guns have pattern densities of few amperes per centimeter squared from a cathode. That is 10 to 100 micrometer in diameter. Now this is again the physical dimensions of the electron beam technique. किस तरीके से कितना diameter होगा, कितना temperature होगा, कितना pressure होगा, इसके बारे में ही सारी चीज़. ठीक है? तो उसको उस तरीके से आपको देखना है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि optical electron optical demagnifying lenses are required to reduce the e-beam diameter by as much as 10 to the power 4. The focused beam must be capable of being directed to any point of the scan field under the control of pattern generated data. ऐसा आप समझ लीजिए कि एक white page है, एक white page के ऊपर आपको एक dot बनाना है. Dot समझ लीजिए, एक circle बनाना है. ठीक है, तो white page हो गया आपका silicon का wafer, और आप एक circle जो उसके ऊपर उभारना चाह रहे हैं. You want to make that circle as the port. Suppose you want to make it as a drain or source or gate. एक terminal बनाना चाह रहे हैं आप उसको. तो उसमें उसमें जो मास्किंग के बाद जो लिथोग्राफी होगी वो उसको क्या करेगी? वो पैटर्न प्रोवाइड करेगी, वो इलेक्ट्रोड वाला पैटर्न प्रोवाइड करेगी, जिससे आप उसको क्या करेंगे? आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करेंगे. तो उसके लिए कितना फोकस होना चाहिए बीम का, इसके बारे में ये सारी चीजें बताई गई है. फिगर 12 है, इसमें स्कीमेटिक डिस्कस किया गया है ई बीम लिथोग्राफी का. नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे. सिंस द बीम स्कैन इज रेस्ट्रिक्टेड बाई लेंस एब्रेशंस to usually less than 1 centimeter and interferometrically controlled XY table is used to position the substrate to be patterned under the E-beam. Registration to a previously defined pattern may be accomplished at each chip side by scanning the E-beam across reference mask etched in the substrate and detecting the secondary and backscattered electrons. तो देख लेते हैं भाई इसका किस तरीके का प्रोसेस है. ये है आपका बीम, यहाँ से ये बीम निकलेगी इस गन से, ये है उसका फोकस. अब इसके नीचे आप जो भी रखेंगे वहां पे वो पैटर्न जो है वो जनरेट होगा.
ये बीम बैंकिंग, ये कॉइल्स हैं, ये वैक्यूम चैम्बर है इसके, इसमें इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। ये इलेक्ट्रॉन रजिस्ट है, ये मेटल फिल्म है, सब्सट्रेट है, ये सब्सट्रेट है आपका नीचे यहाँ पे, और ये टेबल है, टेबल के ऊपर सब्सट्रेट रखा हुआ है जो क्रॉस लाइन से यहाँ पे शो किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये है आपका पूरा प्रोसेस, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लिथोग्राफी, इलेक्ट्रॉन लिथोग्राफी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी मशीन्स आर यूजुअली डिजाइन्ड फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन द प्रोडक्शन ऑफ फोटो मास्क और इन द डायरेक्ट राइटिंग ऑफ सिलिकॉन वेफर्स। ठीक है, ये इसके एप्लीकेशन। मशीन्स यूज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट प्रोवाइड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फोकस्ड स्पॉट सो दैट द हाईएस्ट रिजोल्यूशन कैन बी ऑब्टेंड। बीम डायमीटर इज स्मॉलेस्ट 5 एंगस्ट्रॉम स्ट्रॉन्ग हैव बीन यूज्ड टू ईच 13 एंगस्ट्रॉम वाइड लाइंस इन एनएससीएल क्रिस्टल्स। अब ये हो गया उसका अगेन फिजिकल डायमेंशन के भी किस तरीके से आप जो है जब आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करना है तो आप उसको उस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। तो क्या डायमीटर होगा, उसकी उसके बीम का फोकस क्या होगा, उसके बारे में बात। ठीक है, सो डिवाइस थ्रूपुट इन दीस मशीन्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। अ मशीन इंटेंडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फोटो मास्क और रेटिकल्स विद फीचर्स ऑफ 2 टू 4 माइक्रोमीटर कैन हैव अ रिलेटिवली लार्ज बीम डायमीटर एंड मॉडेस्ट थ्रूपुट। सेटिस्फैक्टरी थ्रूपुट मे बी 1 मास्क पर आवर। ओके, हाउएवर अ मशीन डिजाइंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आईसी डिवाइसेस मस्ट हैव द हाईएस्ट पॉसिबल थ्रूपुट एंड देयरफॉर द लार्जेस्ट बीम डायमीटर कंसिस्टेंट विद द मिनिमम डिवाइस डाइमेंशंस। दोनों में डिफरेंस है, जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उस समय आपके लिए थ्रूपुट आउटपुट मायने नहीं रखता है। ठीक है, वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब आप आईसी प्रोडक्शन की बात करेंगे तो वहां पे आप ऑप्टिकल लिथोग्राफी को प्रेफर करेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी के रिस्पेक्ट में आपको ज्यादा आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसके डाइमेंशंस जो हैं, उसके कहना चाहिए बीम के डाइमेंशन, उसके जो ओवरऑल डायमीटर है उसको उस हिसाब से क्या करते हैं। As a rule of thumb, the minimum device feature is about 4 cross the beam diameter and the field can be directly accessed by the e-beam XY station stage motion in about 2000 cross the minimum device feature. In other words, the smaller the device feature, the more XY stage motion required. More stage motion, of course, slows down the production. Once again, a trade-off must be made, smaller features for wafer throughput. तो इस पैराग्राफ से हमको ये समझ में आता है कि अगर आप फीचर्स के ऊपर फोकस करना की कोशिश करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन बीम में आपको फीचर्स अच्छे मिलेंगे एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल लिथोग्राफी, तो आपको थ्रूपुट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको आउटपुट उतना अच्छा नहीं मिलेगा, रिजोल्यूशन भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रिजोल्यूशन और आउटपुट में कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको बाकी के फीचर्स अच्छे नहीं मिलेंगे। ये ट्रेड ऑफ तो हमेशा रहता है जब भी हम किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रजिस्ट, अब इलेक्ट्रॉन रजिस्ट में क्या है जरा देख लेते हैं, उसमें क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन रजिस्ट में आप देखेंगे तो अ रेडिएशन सेंसिटिव रजिस्ट इज वन इन विच केमिकल और फिजिकल चेंजेस आर इंड्यूस्ड बाय आयोनाइजेशन रेडिएशन विच अलाउज द रजिस्ट टू पैटर्नाइज। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ पॉलीमर इलेक्ट्रॉन रजिस्ट कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ मोनोमर यूनिट्स दैट हैव बीन पॉलीमराइज्ड। ओके, इनटू अ बैकबोन चेन। इरेडिएशन विद इलेक्ट्रॉन लीड्स टू टू जेनेरिक टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस, केमिकल बॉन्ड ब्रेकिंग एंड रेडिएशन इंड्यूस्ड पॉलीमर क्लॉजिंग। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को ही बस हम समझ लेते हैं। इन केमिकल बॉन्ड ब्रेकिंग अ चेन सीजन द मॉलिक्यूलर वेट इज रिड्यूस्ड इन द इरेडिएटेड एरिया। इफ द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज रिड्यूस्ड इनफ द इरेडिएटेड material can be dissolved into a solvent that does not attack high molecular weight material. Polymers that undergo chain scission are called positive electron resists. Common positive resists are, these are the resists. ठीक है, इसको हम use करते हैं। और second जो है वो है polymer electron interaction in radiation induced polymer cross linking. The cross linking events cause new bonds to form between adjacent chains, which creates a complex three-dimensional structure with higher molecular weight than the surrounding non-irradiated area. Polymers in which cross-linking events dominate are called negative electron resists.
Okay, again, development proceeds by the dissolution of low molecular weight material. COP is a common negative electron resist. Swelling during development limits most negative electron resist to resolution about 1 micrometer. Positive resist have resolution that are less than 0.1 micrometer. So, yeah, again, negative or positive resist, pehle bhi dekh chuke hain, main isko zyada detail mein nahi bataunga. Resist ka kya kaam hai, wo bhi hum log samajh chuke hain. Figure 13, skip the figure 13. There is no meaning to study the figure 13 and skip these equations also. Electron scattering and proximity effects. इसके बारे में भी हमको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है. ऑपरेटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में अगर डिस्कस करें तो टू ऑब्टेन अ मिनिमम साइज रेजिस्ट इमेज विद गुड साइज कंट्रोल यूजुअली रिक्वायर्स सेवरल पासेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम टिपिकली फोर और मोर पासेस ऑफ अ गॉसियन शेप्ड बीम स्पेस्ड एट द बीम हाफ विड्थ आर यूज्ड टू राइट अ मिनिमम साइज रेजिस्ट फीचर. Two major advantages are used to write e-beam patterns, vector and raster scan. तो ये vector and raster scan के through जो है हम लोग इस इसको वो करते हैं, implement करते हैं. तो दोनों scan को समझ लेते हैं. Vector scan system में क्या होता है? Digital data that specifies the feature size and location is used to direct the e-beam to the proper circuit location. अच्छा, तो इसमें digitalized feature use करते हैं. उसको बीम को टर्न ऑन करता है, लोकेशन आइडेंटिफाई करता है, फिल इन द पैटर्न शेप उसको फिल करता है और विद इन द फीचर शेप में फिल करता है. टर्न द बीम ऑफ, बीम को ऑफ भी करता है. वेक्टर द बीम टू द नेक्स्ट फीचर लोकेशन, मतलब एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड एंड डिजिटलाइज्ड इन केस ऑफ द वेक्टर स्कैन सिस्टम एंड देन रिपीट द प्रोसेस, ठीक है. तो ये सारे स्टेप्स हो गए उसके. व्हेन द अवेलेबल स्कैन फील्ड हैज बीन रिटर्न एंड एक्स वाई टेबल मूव्स अ न्यू स्कैन फील्ड अंडर द बीम. एक बार हो गया तो दूसरा टेबल आ गया, फिर तीसरा टेबल आ गया, फिर तीसरा वेफर, चौथा वेफर, पांचवा वेफर उस टेबल के ऊपर. एक्स वाई टेबल मतलब एक्स वाई डायरेक्शंस में वो मूव हो रहा है ना. इट मे टेक सेवरल आवर्स टू एक्सपोज 125 मिलीमीटर सिलिकॉन वेफर, ठीक है. द मेथड इज पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव एंड ओनली अ फ्यू पैटर्न्स मस्ट बी रिटर्न एंड दे आर ऑल सेम साइज. अच्छा, अगर एक ही टाइप के पैटर्न्स को आपको राइट करना है तो ये पैटर्न इफेक्टिव है. अदरवाइज अगर आप बड़े पैटर्न की बात करेंगे, बड़े उसको उसके ऊपर लिथोग्राफिक पैटर्न बनाने की बात करेंगे तो ये ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है फिर उसके लिए. सिमिलर के लिए बहुत अच्छा है. इन अ रास्टर स्कैन सिस्टम में, दूसरा स्कैन सिस्टम वेक्टर के बाद रास्टर स्कैन सिस्टम, द इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन्स कंटीन्यूअसली बैक एंड फोर्थ ओवर अ स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू व्हाइल द एक्स वाई टेबल स्कैन्स एट अ राइट एंगल to the beam scan. The beam is turned on and off to write the pattern. After the first strip of a circuit pattern is written over the whole substrate, the XY table returns to the beginning and scans the next strip. Okay, system of this type can use less complicated electron optics than vector scan machines, but the XY table control must be precise. The raster scan is used primarily to make photo mask and can write a 125 millimeter mask in about 1 hour. तो ये ज़्यादा faster है इसके में, इसमें several hours लग रहे थे 125 millimeter के silicon wafer को, इसमें कितने लग रहे हैं, कितने घंटे लग रहे हैं, ठीक है. तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, difference हो गया, ठीक है. तो इसको इस तरीके से आप लोग समझ लेना है. Limitation and trends. Direct writing electron beam lithography is attractive because an e-beam system is capable of sub-micrometer resolution and has the best level-to-level registration capability of the major lithographic techniques. ये हम लोगों ने देख लिया था. An e-beam system has the advantages of flexibility. Customized VLSI design can be fabricated without first going through a mask making process that is prone to errors and defects. The challenge of e-beam lithography is using the existing submicron capability at an economically justified throughput. यही तो दिक्कत है, यही तो compromise करना है आपको, यही तो trade-off है features और throughput के बीच में. Proximity effects can be corrected, but often at the cost of lower throughput, resulting from increased computation time. High resolution is possible at the cost of lower resist sensitivity and lower throughput. Again and again, the same point. To achieve both high throughput and high resolution, brighter, higher current sources must be developed. So, ये future का dimension हो गया कि future में research की direction. This is all about electron beam or short form में कहें e-beam lithography. Next lecture में हम लोग discuss करेंगे
एक्सरे लिथोग्राफी के बारे में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस।